वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कॉन्स्टेंट होता है। रिएक्टेंट में मास जितना होगा उतना ही मास कहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट में। सो इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स डेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एटोमिक मास यूनिट। एटोमिक मास यूनिट क्या होता है कि जो कार्बन का मास होता है उसका 1/12 जब हम करते हैं तो जो भी हमको मिलता है वो एटोमिक मास यूनिट होता है। सो वन एटोमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, किसी को देता है या किसी से लेता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है और उस चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अब आपके आयन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है आपका एनायन, एक होता है आपका कैटायन। जब भी किसी भी आयन पे नेगेटिवली चार्ज आएगा तो उसको हम एनायन कहेंगे, और जिस किसी भी आयन पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो उसको हम केटायन बोलते हैं। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन एंड ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H1, H2 एंड H3। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, C12 एंड C14। इनमें जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो तो 6 ही होता है, पर जो मास नंबर होता है एक का 12 होता है और दूसरे का 14 होता है, तो ये आइसोटॉप्स हो गए। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें मास नंबर सेम हो और डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर। सो आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एंड आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोबार्स। सो आइसोबार्स के 3 एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट है, द आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कोबाल्ट का आइसोटॉप होता है वो ट्रीटमेंट करने का काम आता है कैंसर के। सेकेंड है, द आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सो गोइटर एक डिसीज़ होती है जिसमें नेक में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो यूज़ आता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। लास्ट है, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर।